बाद ये देखिए जुताई। अभी ये हार्ड में अगर ये तेल यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे बंद हो गया, ये तेल बंद हो गया यहाँ पे, यहाँ खुला रहेगा, यहाँ खुला रहेगा। इसके बाद ऐसा स्टार्टिंग मोड़ पे लेके आना, तो इसे चौक को यहाँ पे लगाओ स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में, स्टार्ट लगाने के बाद इसको ऐसा ठंडे स्टार्ट हो गई, दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारी रिको इटली 740 जो पावर वीडर मशीन है इसकी सर्विस का कार्य चल रहा है। दोस्तों आप जानते हैं ये अभी हमारे यहाँ पर रोटरी है RI 740 और ये सुरभि एग्रो इंडिया से यहाँ पर भाई साहब आए हुए हैं, दोनों मिस्त्री भाई साहब जो इसकी सर्विस कर रहे हैं। और सुविधा इतनी अच्छी है कि सीधा हमारे घर आए, हमारे खेत पर ही, और जो मशीन में जितनी भी दिक्कतें हैं उनका समाधान किया जा रहा है। बाकी दो भाई साहब एक यहाँ बड़े मिस्त्री साहब ये हैं, तो भाई ये जो पीछे की रोटरी होती है जो मिट्टी की जुताई करती है, एक ये उसका पीछे का भाग है और ये आगे का, तो जो ये बैक रोटरी में आती है जो रिको इटली 740 है, आगे इसके 9 HP का इंजन होता है और पीछे इसमें ये रोटरी जो मिट्टी की जुताई करती है। बाकी यहाँ पर ये पेट्रोल देख सकते हैं, इसमें पेट्रोल डलता है और पीछे इसकी ये PTO पावर चलती है। और भैया यहाँ पर ये इसमें जो भी गियर वगैरह जितने हैं वो आपको पूरा बताया जाएगा, फिल्टर कहाँ पर है, फिल्टर भी साफ़ कर दिया गया है यहाँ पर, और ये फिल्टर ये लगा हुआ है इसमें कि यहाँ पर ना ये फिल्टर है और ये फिल्टर साफ किया गया है, फिल्टर ये पेट्रोल से साफ करना है, अच्छे से साफ करने के बाद ये यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर जो ये है ना रोटरी हमारी, इस रोटरी में यहाँ एक गियर ऑयल डलता है, यहाँ पर एक ऑयल डला है जिसमें ये चलती है डूबी हुई, और उसके बाद यहाँ पर ये रोटरी चलाने का एक अलग से गियर होता है, इस गियर को क्या बोलते हैं भैया, शिफ्टिंग गियर, ये शिफ्टिंग गियर है, इसको ऊपर जैसे खींचते हैं तो रोटरी चल जाती है। बाकी इसमें 4 फॉरवर्ड गियर्स हैं और 2 रिवर्स के है ना, और रिवर्स में गियर भी हैं। और बाकी उसके बाद ये रेस दी गई है यहाँ पर, ये क्लच दिया गया है, और उसके बाद अभी तक हमारी मशीन को पूरा 1 साल हो गया, अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई इसमें, क्योंकि 9 HP की है, 270 CC में काफ़ी जानदार पावरफुल है। और ये इसमें जो बैक रोटरी होती है इसमें एक फ़ायदा हमें मिलता है, ये कंपन कम करती है क्योंकि पहियों पर चलती है, पीछे इसमें रोटरी होती है, रोटरी इसकी हम 28 इंच से लेके 28 इंच की मिनिमम चौड़ाई हम इसकी रख सकते हैं, और बाकी 36 इंच तक हम इसकी आसानी से जुताई कर सकते हैं, अपनी गन्ने की हो चाहे बागवानी की हो तो आप आसानी से, या ट्रेंच विधि से जो गन्ना लगाओ उसकी हम आसानी से जुताई कर सकते हैं। बाकी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसमें तेल वगैरह डाला जा रहा है गियर में, ये ताकि इसे अच्छे से रवा किया जा सके। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी क्या रोटरी की सर्विस भी ऐसी की जाती है, हमेशा अपनी रोटरी के जो ब्लेड घिस जाएंगे आधे हो जाएं तो सर्विस करवा लेनी चाहिए, शुरू में लगभग 40 घंटे में ही तो होनी चाहिए ना पहली, और दूसरी तो पहले 40 घंटे बाद आपको सर्विस करनी है, दूसरी भी लगभग 40-50 के बीच में ही सर्विस करनी है। तो इस तरीके से समय समय पर इंजन ऑयल जो मशीन का है यहाँ पर जो डलता है, ये यहाँ पर BW40 ये इंजन ऑयल आपको समय पर डालना है, और उसके बाद अपनी मशीन की आसानी से आपको सर्विस करवानी है मिस्त्री के द्वारा ही। और दोस्तों सर्विस करने के बाद अब इसको स्टार्ट कर दिया गया है, तो रोटरी की RI 740 की सर्विस हो चुकी है, तो अब इसकी रेस वगैरह चेक कर रहे हैं, किसी रेस वगैरह में दिक्कत तो नहीं है, तेल वगैरह चेक कर रहे हैं, तेल खुल रहा है नहीं खुल रहा, अभी सर्विस इसकी पूरी हो चुकी है, अब इसमें स्टार्ट करके इसको चेक किया जा रहा है। अगर ये तेल यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे बंद हो गया, ये तेल बंद हो गया यहाँ पे, यहाँ खुला रहेगा, यहाँ खुला रहेगा। इसके बाद ऐसा स्टार्टिंग मोड़ पे लेके आना, तो इसे चौक को यहाँ पे लगाओ स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में, स्टार्ट लगाने के बाद इसको ऐसा ठंडे तो ये स्टार्ट हो गई, इस वाले को यहीं पे डाल दो, क्या कुछ दिन मैंने 1 या 2 बार ही लगा था, ज़्यादा नहीं लगा, अगर ज़्यादा लगा तो चार मिनट सड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ये बाकी तो किसी नॉर्मल अब इसके नीचे चलिए रोटरी चला के देखते हैं हम। और सर्विस करने के बाद अब मिस्त्री सीधा यहाँ पे हमें डेमो पे चला के दिखाएंगे कि वाकई में हमारी मशीन सही हुई या नहीं हुई, और लो ताओ चलाओ जी यहाँ पर, यहाँ सीधा किसान अब चलाएंगे इसको और देखेंगे वाकई में सही चल रही है नहीं, गियर लगा दिया गया है, ये जुताई करेगी नहीं रेस के साथ मिस्त्री जी अपनी आंखों के सामने, ये देखो भाई चीरती हुई, भाई मिट्टी को चीरती हुई चल दी, बहुत ही बढ़िया, इधर से भी पास हो गई, उसके बाद गियर बदल के दोबारा से चलाएंगे,
और मिट्टी की जुताई देखिए बिल्कुल। अरे ये हार्ड मिट्टी में थोड़ा भागो एकदम, अगर नरम मिट्टी तो चल जाए एकदम। हाँ रोटरी बैग में होगी गियर नहीं लगा मशीन इसका। रेस कम कर लो ये देखिए भाई, सर्विस करने के बाद ये देखिए जुताई भाई, जुताई ने तो मजा बांध दिया। देखिए मिट्टी 6 महीने से खुदी नहीं थी और ये जुताई देखो बिल्कुल मस्त जुताई हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर ताऊ जी सीधा रोटरी से जुताई कर रहे हैं। देखिए हार्ड मिट्टी में थोड़ा ऐसे चलती है, एक बार जुते हुए खेत में देखो मर्रम की तरह मिट्टी।